नमस्कार। बोकारो सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में विकास मेला के आयोजन की तैयारी को लेकर पहुँचे उप विकास आयुक्त व अपर नगर आयुक्त सरकार के एक साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में आयोजित होने वाली विकास मेला को लेकर तैयारी का जायजा कर रहे उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद व अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम के शशि प्रकाश झा, वहीं उन्होंने बताया कि सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। साफ सफाई के साथ साथ विशेष पूरे मैदान व सभी स्टॉलों को सैनिटाइज किया जा रहा है और यह कल भी किया जाएगा, जहां सरकार के एक साल की उपलब्धि को लेकर कार्यक्रम किया जाना है। 40 स्टॉल लगाए जाएंगे, 1000 की संख्या में लोग यहां मौजूद होंगे। यहां विशेषकर लाभुक भी रहेंगे, जिसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरे जोर शोर से लगी हुई है। आगे क्या कहते हैं? विकास मेले का आयोजन किया जा रहा है, क्या क्या तैयारियां हैं सर? इस संदर्भ में इस जिले में पहले 2 बैठक हो चुकी है। 29 तारीख को इस सरकार का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस क्रम में पूर्व में हम लोगों ने 2 बैठक की थी। प्रत्येक विभाग का जो 1 वर्ष की उपलब्धि है उसके लिए एक हम लोग कॉपी बुक बनाएंगे, और इसके साथ साथ लाइब्रेरी मैदान जो यहाँ पर बोकारो में स्थित है उसमें 29 तारीख को विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। और उसके साथ साथ जितने विभाग हैं उसमें जो लाभुक हैं उनको टोकन के रूप में यहाँ पर सभी जो लाभ दिए जाएंगे उनका वितरण किया जाएगा। और इसके साथ साथ उस दिन LED का एक स्क्रीन भी लगेगा, जो राज्य सरकार में जो भी कार्यक्रम होगा उसका डायरेक्ट यहाँ प्रसारण होगा। और विभिन्न विभाग हैं उसमें, जैसे समाज कल्याण विभाग हुआ, बैंक्स हुए, कल्याण विभाग हुआ, अलग अलग विभाग का जो भी कार्यक्रम जो सरकार की ओर से चलाया जा रहा है उसमें जो लाभुक रहेंगे उनको हम लोग लाभान्वित करेंगे इस विकास मेला में। विकास मेला का तात्पर्य क्या है? विकास मेला का तात्पर्य ये है कि जितने विकास हुए और जितने होने जा रहे हैं, जैसे कि बहुत सी योजनाएं जो पूर्ण हो चुकी हैं और बहुत सी योजनाएं जो प्रारंभ होने वाली हैं उनका शिलान्यास होगा, और जो पूर्ण हो गई है उसका उद्घाटन यहाँ ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ साथ है कि वन अधिकार पट्टा का वितरण भी होगा, जो लाभुक वन क्षेत्र के अंतर्गत हैं और उन्हें कोई दूसरी सुविधा नहीं रहती तो उन्हें पट्टा दिया जाता है। इसके साथ साथ सुकन्या योजना यंत्र और हम लोग धोती साड़ी योजना और के अंतर्गत 5-5 लाभुकों को बांटेंगे। ऐसे 500 को बांटना है, लेकिन कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए और सरकार का जो निर्देश है कि 200 ही लोगों को बुलाना है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कम संख्या में लोगों को बुला रहे हैं और सरकार के संदेश को हम लोग जनता के बीच में पहुंचाएंगे इस विकास मेला के माध्यम से। और विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं उसके बारे में जनता को हम लोग बताएंगे कि इसका वो लाभ उठाएंगे। और हमारी जो जैसे वृद्धावस्था पेंशन हुई, विधवा पेंशन हुई, विधवा पेंशन हुई और दिव्यांग पेंशन हुई, इस बारे में बताया जाएगा। कुछ कुछ लाभुकों को का चयन भी किया जाएगा और उनको लाभान्वित किया जाएगा। पूरे मैदान को सैनिटाइज किया जा रहा है आज और कल भी कराया जाएगा। सभी जगह साफ सफाई हो रही है और जो कार्यक्रम है यहाँ करीब 1000 की संख्या में लोग यहाँ रहेंगे, लाभुक भी रहेंगे और भी लोग रहेंगे। स्टॉल 40 लग रहे हैं और जो मंच बन रहा है वो माननीय लोगों के लिए मुख्यमंत्री भी आएंगे। इसकी अभी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है।